दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत तक न कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जमाने ने अजब पलटा खाया है। पहले लोग इबादत छुपकर इसलिए करते थे कि कहीं शोहरत ना हो जाए, और अब इसलिए छुपकर करते हैं कि कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं। हम इस बदनसीब मुआशरे का हिस्सा हैं जहां हुस्न का मियार गोरा रंग और अकल का मियार अंग्रेजी जुबान है। जहां लगे कि आपकी अहमियत कम हो रही है, वहां जाना कम कर दो, फिर चाहे वो किसी का घर हो, बात हो, याद हो या किसी का दिल। एक मर्द जब बाप का दर्जा पाता है तो वो 10 गुना ज्यादा वफा करने वाला, मोहब्बत करने वाला और ख्याल करने वाला इंसान बन जाता है। बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो लोग जो छोटी छोटी चीजें भी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। इंसान जब मुनाफ़िकत की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। जिंदगी में जिन लोगों से प्यार करते हैं, दुख भी उन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि गैरों की बात दिल को बुरी लगती है मगर अपनों की बात सीधी दिल पर लगती है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। रहने की कुछ बेहतरीन जगहों में से एक अपनी औकात भी है। जब आंखों से सजदे बहने लगें तो कबूलियत के समंदर में जरूर हलचल होती है। मैंने अपनी जिंदगी में चंद बातें सीखी हैं। माँ बाप के अलावा कोई वफादार नहीं, इज्जत सिर्फ पैसे की है इंसान की नहीं, गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता, इंसान जिसके लिए दिल से मुखलिस हो वो धोखा जरूर देता है, लोग अच्छी सीरत की बजाय अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। खुदा जब किसी की मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार हर शख्स पर से उठ जाता है। खामोशी का अदब करो, यह आवाजों की मुर्शिद है। काश इंसान भी नोट की तरह होते कि बंदा रोशनी में करके देख लेता कि अंदर से कैसा है। अपने ख्यालों की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज बन जाते हैं। अपने अल्फाज की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारे अमाल बन जाते हैं। और अपने अमाल की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारा किरदार बन जाते हैं। और अपने किरदार की हिफाजत करो, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। हम अल्लाह को मानते हैं मगर हम अल्लाह की एक नहीं मानते। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जीने में देर ना करो वरना मर जाओगे। अल्लाह को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाश रिजक की है, राजिक का ख्याल ही नहीं। लफ्जों के दांत नहीं होते मगर ये काट लेते हैं, और अगर ये काट लें तो इनके जख्म कभी नहीं भरते। हम अल्लाह के लाडले तो हैं लेकिन इतने भी नहीं जितना खुद को समझते हैं। लोगों को उतनी ही अहमियत दो जितनी वो तुम्हें देते हैं। कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज्यादा दोगे तो गिर जाओगे। काश के लोग समझ सकें कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं बल्कि असल बात उन रिश्तों को निभाना होता है। वफा करनी है तो माँ बाप से करो। दुनिया आपको तब ही प्यार करेगी जब आपके पास दुनिया वालों के लिए कुछ होगा। कोई खुशी, कोई रिश्ता, कोई जज्बा कभी मुश्किल नहीं होता, उनके भी पांव होते हैं। बस हमारा सलूक और रवैया देखकर कभी ये भागकर करीब आ जाते हैं और कभी आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हों। जब सूरज गुरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, दुनिया के सारे दुख सिर्फ आपकी मलकियत थोड़ी ना है।